नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मयंक फार्मेसी पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोपॉम टैबलेट पर। इस वीडियो में आपको इसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि इसके यूजेस, साइड इफेक्ट, बेनिफिट्स, किस कारण इसका उपयोग किया जाता है, सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। उससे पहले दोस्तों आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को दीजिए लाइक, क्योंकि दोस्तों हमेशा मैं चैनल पर नई नई मेडिसिन की जानकारी लेकर आता हूँ। चलिए देर न करते वीडियो को तो शुरू। दोस्तों साइक्लोपॉम टैबलेट इंडिको कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसकी एमआरपी की बात की जाए इसकी एमआरपी 51.20 रुपीज़ है, जिसमें कंपोजिशन के रूप में डाइक्लोमाइन, हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासिटामोल दिया गया है। ये हो गया बेसिक जानकारी। दोस्तों बात करते हैं इसके यूजेस की। तो साइक्लोपॉम टैबलेट एक ऐसी दवा है जिसमें सक्रिय अवयव के रूप में डाइसाइक्लोमिन और पैरासिटामोल होता है। ये एक एंटी स्पास्मोडिक है जिसे आमतौर पर आंतों और पेट में ऐंठन के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मासिक धर्म के दर्द, ऐंठन, दर्दनाक महावारी से पीड़ित महिलाओं कुछ राहत पाने के लिए इसका सेवन कर सकती हैं। यह दवा मांसपेशियों को सुचारू बनाने के लिए दर्द की सीमा और शरीर में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है। यह दवा इरिटेबल ब्रोवेल सिंड्रोम से पीड़ित लोगों के इलाज में मदद करती है। इस प्रकार ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मार्ग में मांसपेशियों के तनाव को कम करता है। दवा शुरू करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लीजिए। यह एक दर्द निवारक है जो सुनिदा रूप से मस्तिष्क में एंजाइम फंक्शन को रोकती है, जो इससे दर्द और बुखार का इलाज करने के अनुमति देती हैं। यह मस्तिष्क में कुछ रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है जो दर्द संकेतों को रोकता है। इसका डोज दोस्तों खाने के बाद सुबह शाम के रूप में इसका उपयोग कर सकते हो। किसी भी जानकारी के लिए वीडियो में कमेंट कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता है नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।